हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कोकोनट मिल्क पाउडर की लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इस स्वीट को आप इस रक्षाबंधन पे जरूर बनाइए। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए, आज हम मिल्क पाउडर और कोकोनट बुरादा के लड्डू बनाते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो उसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है कोकोनट, हमने बाजार से मंगवाया है। आप चाहें तो छिलके हटा के ग्रेटर से ग्रेट करके मिक्सर में पीस के तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने 200 ग्राम लिया है। 200 ग्राम हम मिल्क पाउडर लिए हैं, 200 ग्राम शक्कर और एक कटोरी दूध लिया है। सबसे पहले हम गैस की तरफ चलेंगे। गैस पे हमने कढ़ाई ले लिया है, गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें हम सबसे पहले कोकोनट डालेंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनना है। कोकोनट भूनने से अच्छी सी खुशबू आती है और इसमें जो तेल है वो अच्छे से निकलने लगता है, तो लड्डू बहुत ही टेस्टी तैयार होती है। एक बात का ध्यान रहे, भारी तले की कढ़ाई होनी चाहिए, गैस का फ्लेम स्लो होना चाहिए, कंटिन्यू चलाते हुए हमें इसे भूनना है। आप देख सकते हैं हमने कोकोनट को अच्छे से भूना है, बिल्कुल इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ये अच्छी सी खुशबू आने लगी है। इसमें हल्का हल्का लग रहा है कि तेल छोड़ रहा है। इस स्टेज पे हम इसमें दूध डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे, इससे कोकोनट का टेस्ट बढ़ जाता है और ये अच्छे से दूध को अब्जॉर्ब भी कर लेता है। कोकोनट ने दूध को अब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें शक्कर डाल देंगे और इसे भी चलाते हुए हम अच्छे से पकाएंगे। शक्कर डालने के बाद थोड़ा सा ये पिघलेगा तो लूज होगा। शक्कर पिघलने के बाद आप देख सकते हैं ये पानी जैसे थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगा है। हमें इसे कंटिन्यू 3 से 4 मिनट तक चलाना है। शक्कर पिघलने के बाद पानी छोड़ेगा, इसी स्टेज पे हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो ये 200 ग्राम मिल्क पाउडर हमें इसमें डाल देना है और अच्छे से चलाना है इसे। गैस का फ्लेम हमने स्लो करके मिल्क पाउडर डाला है। मिल्क पाउडर डालने से अच्छी सी बाइंडिंग भी आती है और कोकोनट लड्डू की टेस्ट मावा जैसे हो जाती है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं जितना शक्कर पानी छोड़ा था उसी में अपना मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया। मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से कोकोनट के साथ मिक्स कर लिया है। देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है अपना, जो पेस्ट हमने तैयार किया है लड्डू के लिए। तो इस स्टेज पे हम अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस पेस्ट को हम रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, फिर हम लड्डू बनाएंगे। गरम गरम लड्डू बनाने पे हाथ जलती है। अब ये डो जो है अपना ठंडा हो चुका है, तो चलिए हम इसकी लड्डू बना लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए हमने थोड़ा सा सूखा नारियल रख लिया है। इसमें हम इसको लास्ट में कोटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा लड्डू में से निकालेंगे, यानी कि आप अपने साइज का निकालिए, जितना बड़ा आपको पसंद हो उतना बड़ा निकालिए और इसे अच्छे से लड्डू का शेप दे दीजिए। फिर इसे सूखा नारियल में रख के ऐसे घुमा लीजिए। अब हम इसे एक प्लेट में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लड्डू तैयार हुई हैं।
देखने में सुंदर, खाने में स्वादिष्ट। तो चलिए हम ऐसे ही सभी लड्डू को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा हम डो निकालेंगे और एक लड्डू को बनाएंगे। इसे हम कोटिंग करके और प्लेट में रखते जाएंगे। हमने सभी लड्डू को तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लड्डू तैयार हुई है। फ्रेंड्स, ये लड्डू रक्षाबंधन पे आप जरूर बनाइए, अपने भाई को खिलाइए, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए, बच्चों को खिलाइए। अगर आज की मेरी ये लड्डू की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।